गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। सो दिस वीक आई कंप्लीटेड 3 मंथ्स इन जर्मनी और मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर था वो भी ख़त्म हो गया है। एंड आई रो इवन दो आई अराइव्ड अ बिट लेट इन जर्मनी, आई स्टिल मैनेज टू राइट फ्यू एग्जाम्स एंड दे वेर प्रिटी वेल। एंड मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इट्स बिन 3 मंथ्स इन जर्मनी एंड दिस एक्सपीरियंस सो फार हैज़ बिन लाइफ चेंजिंग। जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैं वो इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। बट इसके पहले लेट्स मेक सम कॉफ़ी देन विल टॉक गाइस। और एक बात गाइस, जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में कह रहा था कि आई हैव ऑर्डर्ड अ माइक्रोफोन, सो इट इज़ फाइनली हियर। सो दिस इज़ अ ब्लूटूथ माइक्रोफोन आई ऑर्डर्ड। सो जब भी मैं बाहर जाऊँगा तो आई विल यूज़ दिस माइक्रोफोन एंड होपफुली द ऑडियो यू गाइज हियर इज़ मच बेटर। I have also ordered this flexible tripod. तो जो भी मैं अभी videos बनाऊँगा it will help me a lot to get some good shots for you guys. And मैं continuously कोशिश करता रहूँगा कि जो भी मैं video बनाऊँ it gets better and better. जैसे कि आप देख रहे हो जो पहले जो सबसे पहला video था उसमें it was the editing was terrible and धीरे धीरे मैं जो भी अभी जो software use कर रहा हूँ सीख रहा हूँ और नए नए थिंग्स डिस्कवर कर रहा हूँ तो आने वाले वीडियोस और भी बेटर रहेंगे। जस्ट आई हैड माई कॉफ़ी और आज जैसे कि आपने पिछले शॉट में देखा इट्स अ वेरी ब्राइट एंड सनी डे आउटसाइड टूडे। बट जब मैं यहाँ जर्मनी लैंड करा पहली बार तो इट वॉजन्ट द केस, इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड। तो जो मेरा फ्लाइट था वो मुंबई से लेकर फ्रैंकफर्ट था, इट फ्रैंकफर्ट तक था एंड इट वॉज़ अ कनेक्टिंग फ्लाइट मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट। इट वॉज़ अ टोटल ऑफ एंड आफ्टर लैंडिंग एट फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट तो मैंने ICE बुक करा था फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू ड्यूशबर्ग एंड देन मैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से ड्यूशबर्ग हॉप एंड ऑफ के लिए ICE ट्रेन बुक करा था। एंड माई एक्सपीरियंस विथ ICE वॉज ऑल्सो अमेजिंग और इट ट्रैवल सो फास्ट। मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए मेरा GPS ऑन करा था तो मैं देखा कि द स्पीड वॉज लाइक 300 किलोमीटर पर आवर एंड इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और जैसे ही मैं ड्यूशबर्ग हॉप ऑन ऑफ पहुँचा जो मेरा रूममेट था वो ऑलरेडी वहाँ पहुँचा था, मुझे रिसीव करने के लिए वहाँ आया हुआ था। तो वहाँ से लेकर मैं मेरे अपार्टमेंट तक चलता आया। बट ये एक इशू ये था कि क्योंकि मैं शाम को पहुँचा था फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर तो मैं जब बाहर देख रहा था इट वॉज़ कम्प्लीटली डार्क, तो मुझे कोई जर्मनी ऐसे दिखाई नहीं दिया वहाँ पर। आई कुडंट सी एनी थिंग थ्रू द ट्रेन। और जैसे ही फिर ड्यूशबर्ग हॉप ऑन ऑफ से मैं मेरे अपार्टमेंट तक चलता आया, दैट वॉज वन गुड थिंग वॉज कि इट वॉज क्रिसमस मार्केट लगा, आई मीन इट वॉज क्रिसमस टाइम और क्रिसमस मार्क लगा हुआ था हॉप ऑन ऑफ के सामने। सो आई वॉक थ्रू दैट क्रिसमस मार्क टू रीच माई अपार्टमेंट एंड इट वॉज लाइक अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। लाइक पीपल वेर एन्जॉइंग, पीपल वेर हैविंग करीवोस्ट एंड सो मेनी अदर थिंग्स विच इज़ लाइक क्रिसमस स्पेशलिटीज। एंड और फिर उस दिन घर पर आके मैं तो इतना थका हुआ था बिकॉज ऑफ द लॉन्ग जर्नी आई स्लेप्ट ऑफ एंड देन अगले दिन से जो रियल स्ट्रगल था वो स्टार्ट हुआ। बिकॉज इन इंडिया आई नेवर कुक्ड और एनी थिंग, बट यहाँ पर तो सब अपने को खुद से मैनेज करना था, कुकिंग देन क्लीनिंग एंड एवरी थिंग। मुझे सेटल होने में मतलब सब चीज़ें अरेंज करने में 3-4 दिन का समय लगा एंड स्लोली स्लोली आई स्टार्टेड मेकिंग प्रोग्रेस। बिकॉज आई अराइव लेट इन जर्मनी तो आई हैड टू कैच अप ऑन अ लॉट ऑफ स्टडीज़। बट गुड थिंग वॉज क्योंकि मेरा सेमेस्टर ऑनलाइन था तो आई हैड टू ओनली वॉच द रिकॉर्डेड वीडियोज़ एंड गिव द एग्जाम्स। सो
एंड देन अगले दिन सुबह उठते ही मैं ब्रेकफास्ट वगैरह कर रेडी होकर आई वॉज वेरी एक्साइटेड. तो मैं बाहर गया वॉचिंग पीपल एन्जॉइंग द क्रिसमस मार्ट एंड हैविंग ग्लू वाइन. घर के सामने ही मेरा एक स्केटिंग पार्क भी लगा हुआ था. सो पीपल वेयर स्केटिंग, देर वॉज म्यूजिक ऑल अराउंड, पीपल हैविंग अ वेरी गुड एंड एन्जॉइंग विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स. सो इट वॉज प्रिटी अमेजिंग. सो दैट वॉज माई लाइक आई फेल्ट रियली गुड आफ्टर कमिंग हियर. एंड मैं जो ये क्रिसमस मार्केट के बारे में जो बता रहा हूँ, मैं अगले साल पक्का आप सबके साथ एक वीडियो बनाऊँगा, ब्लॉग बनाऊँगा और आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगा ताकि आप लोग भी वो क्रिसमस मार्ट देख पाए. रही बात थ्री मंथ्स में, इट वॉज़ अ बिट ऑफ स्ट्रगल बिकॉज आई लैंडेड हियर इन जर्मनी लाइक नेवर कुक्ड बिफोर. सो यहाँ पर आने के बाद यू हैव टू डू ऑल योर थिंग्स लाइक कुकिंग क्लीनिंग लॉन्ड्री एंड एवरीथिंग. सो या नाउ आई एम प्रिटी यूज टू इट एंड कुकिंग एंड इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. तो आप सब से जो भी यहाँ पर जर्मनी आना चाह रहे हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कुकिंग सीख लें. एंड अनदर थिंग इज लर्न द लैंग्वेज गाइस. व्हेन यू लर्न द लैंग्वेज लाइक आप देर आप लोग कोई इशू फेस नहीं करेंगे जैसे एयरपोर्ट पे लोगों से इंटरेक्शन वगैरह. एंड व्हेन यू स्पीक इन जर्मन टू अदर गाइज हियर दे आर वेरी फ्रेंडली एंड वेरी हेल्पफुल. दैट्स वॉट आई हैव लर्न सो फार कि जर्मन इज वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. एंड या आई एम वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट सेमेस्टर टू स्टार्ट सो दैट आई कुड मीट दी विद द अदर स्टूडेंट फ्रॉम माई ब्रांच. अब तक तो जो भी बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक मेरा ऑनलाइन मेरा जो क्लासेस थे इट वॉज कम्प्लीटली ऑनलाइन. तो मुझे घर पे बैठ के ही पढ़ना था और एग्ज़ाम भी घर पे बैठ के ही देना था. इफ बट स्टिल लेट्स आई एम होपिंग कि नेक्स्ट सेमेस्टर ऑफलाइन हो जाए तो इट विल बी मोर फन. सो आई विल बी एबल टू मीट मोर पीपल एंड मेक लाइक वीडियोज़ फॉर यू गाइज सो दैट यू कैन ऑल्सो एन्जॉय. एंड या स्टेइंग अवे फ्रॉम फैमिली इज ऑल्सो बिट डिफिकल्ट लाइक यू मिस योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. सबको पीछे छोड़ के यहाँ पर आना पड़ता है. कम्प्लीटली न्यू कंट्री, न्यू पीपल, न्यू लैंग्वेज, एवरीथिंग इज बिट चैलेंजिंग बट या इट इज़ मैनेजेबल एंड इट्स बेसिकली अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ एंड इट इज़ फुल ऑफ एक्साइटमेंट. और रही बात अभी फ्यूचर में, आई एम प्लानिंग टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक मैं कोशिश करूँगा कि नए नए जगह ट्रैवल करूँ एंड जो भी मेरा एक्सपीरियंस है आप सभी के साथ इस इन ब्लॉग्स के थ्रू शेयर कर पाऊँ. सो प्लीज़ अगर अब तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो. सो इससे मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए और बेहतर वीडियो शूट करने के लिए. सो या आई एम इसी के साथ ही आई एम एंडिंग दिस व्लॉग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. अंटिल नेक्स्ट टाइम लाइक दिस इन जर्मन चाओ.